पर हर जगह ना ये खतरनाक मामला है बस। मैंने शाम को इनको पिक्चर दी थी और अभी तक मेरी पिक्चर नहीं आई है। मैं ट्राई करूंगा चेरी चीज केक। जो कचरा है ना ये भी एक टाइम स्क्वायर। अब बाकी के आगे के 2 दिन या 4 दिन क्या होगा वो रात को एक दफा वेबसाइट खोल के 5 मिनट में देख लो, क्योंकि जितना टाइम करीब आता जाता है और बुकिंग नहीं होती है तो वो होटल के रेट 50% भी गिर जाते हैं। इस तरीके से अवेल करना पड़ रहा है। हाँ सर्दी है भाई, ठंडी ठंडी हवा। ये मेरा होटल है, द गैलेवेंट। ऑस्ट्रेलिया में भी होता था, हर जगह कई कमर्शियल एरियाज होते हैं ना, तो ओल्ड बहुत होते हैं ये, मतलब जो मेन स्ट्रीट्स होती है या सदर होता है, जो सेंटर होता है किसी भी सिटी का, बहुत पुराना होता है, तो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, कहीं ना कहीं रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, उनकी गाड़ियाँ ट्रक और ये पाइप वगैरह वो जो फिटिंग करके ये सामने ऐसे है ना, टेम्परेरी बंद हुआ हुआ होता है। ये मुझे आइडिया हो गया है जा जा के कि हमेशा जहाँ भी मैं सेंटर में जाता हूँ, मतलब सेंटर लेता हूँ सिटी का, तो ये ज़रूर मिलता है मुझे। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही था। जस्ट कॉर्नर पे मेरे होटल से वो है अपना टाइम स्क्वायर। ये हलाल के नाम से भरे पड़े हैं यहाँ पे स्टॉल ना, भरे पड़े हैं। और ये मुझे लगता है एक ही मुल्क के लोग होंगे सारे, क्योंकि डिशेस तो ये टर्किश डिशेस हैं इनके पास ना। हेलो, वेयर फ्रॉम? सॉरी, इजिप्ट। ओह, इजिप्ट क्या है भाई, ये 2-4 टर्किश भी थे मैंने देखे थे। अच्छा, मेरे ये टाइम स्क्वायर है, रात के 8-9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं और ये टाइम स्क्वायर है, बैक साइड है समझ लो ये टाइम स्क्वायर का। टाइम स्क्वायर बेसिकली उन स्टेयर्स से पहचाना जाता है, ये जो आगे जाके लोग बैठ जाते हैं ना जिसका, वो पहचाने। और सेंटर ऑफ टाइम स्क्वायर है ना, वो जो चौक है स्टॉप है, वो हॉट डॉग रखा हुआ है बहुत बड़ा सा, लोग ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं वीडियो को। सीन ऐसा है कि अब आप देखते हो ना, फीलिंग आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाय हाय, पर हर जगह ना ये खतरनाक मामला है बस। खतरनाक तो नहीं है ये, मतलब इनका धंधा है वह, इसका तरीकेकार गलत है, ये स्कैम में ही आ जाता है ना, हाथ में पकड़ा देना। वो डांस जो कर रही थी वहाँ लड़कियाँ व्हाइट शर्ट में, ये भी कंपनी की हैं, और ये सेल्फी लो पैसे दो, हर किस्म के लोग हैं, ज़बरदस्ती आ जाते हैं, लड़ते हैं। पब्लिक इतनी डरी हुई है इनसे और इतना कॉमन हो चुका है कि हर किसी को पता है। पर मिनट का $4 है, 10-15 मिनट ये घुमाएगा और $40-50 बना देगा, और उस पर भी पट्टा होगा लाजमी कि वो यूं बोला था, वो बोला था, आपने यूं किया है, तो इसीलिए ये खड़े हुए हैं यहाँ। हर कोई $40-30 खर्च कर सकता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी इन हर की वजह से हर कोई डरता है, वो अवेल ही नहीं कर रहा है। ये है मेन टाइम स्क्वायर। शो कर रहे हैं, फ्रीडम होना चाहिए ना पब्लिक को, हर के पब्लिक देख रही है, जिसको देना होगा दे देगा। और लोगों को पता है कि इसमें कोई स्कैम नहीं होगा, वो बाउंड नहीं है, जो भी देखने वाले हैं वो बाउंड नहीं है, उनको अच्छा लगेगा वो दे देंगे और चले जाएंगे। तो ये मतलब इन जो यहाँ पे स्कैमर्स हैं उनके बदले ये अच्छा जो है ना अर्न कर रहा होगा इस पॉलिसी के साथ। मैंने शाम को इनको पिक्चर दी थी और अभी तक मेरी पिक्चर नहीं आई है। ये जो है ना एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं और शो नहीं करते हैं। रात हो गई है, मैं अभी जाके बात करता हूँ उनसे। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। सारे पब्लिक प्लेसेस मैंने देखे लेकिन यार इतनी अट्रैक्शन नहीं देखी है मैंने। हो सकता है थाईलैंड वगैरह में होती होती, रश होता है वहाँ पे। अच्छा मैंने इनको जाके बोला भी कि इस पर प्रिंट कर दो भाई, इसके साथ पिक्चर ले लिया आपको तो $2 देने, $5 देने, $10 जो भी है हर कोई देगा, लेकिन ऐसे इस तरीके से वो करना जो है, हर कोई वीडियो भी बना रहा है और पिक्चर्स भी बना रहा है लेकिन जो है दूर दूर से ये जाके इसको पकड़ने लगती है और वो भाग जाता है। इसके मेरी नज़र में इन बेवकूफ़ों का नुकसान हो रहा है। वही वाली बात ना कि 100 में से 2 लोग मिलते होंगे उनके साथ ही स्कैम कर लेते होंगे, बाकी 98 मुझे तो डरा रहा था ये यहाँ के चिपक रहे, कुछ नहीं कह रहा है लोग, जबकि उन्होंने तो कोई पैसे भी नहीं दिए, पता नहीं। भाई मैं इन लोगों को कह रहा था जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ थोड़ा सा इंडिया ज़रूर छिड़का हुआ होता ऊपर से ना, चाहे कहीं भी चले जाओ लाजमी मिलेगा। और इससे मैंने बताया हुआ है ब्लॉग में भी कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, खाने वाने को मिल जाता है। आजम खान आए हुए टाइम स्क्वायर पे शॉपिंग करने, आप कटेगा ये। हैरी पॉटर कैन आई टेक अ पिक्चर, वाओ। No. ये फेमस रेस्टोरेंट से न्यूयॉर्क का जूनियस रेस्टोरेंट, जूनियस बार, इसकी बेकरी, ये इसकी बेकरी है। अब मसला वही है यहाँ पर, मसला यहाँ पर यही है हलाल हराम वाला। तो मुझे ऑर्डर देना, तो खैर मैं सी फूड ट्राई कर रहा हूँ इसका, सूप और सी फूड में चक्कर नहीं होगा ना, क्योंकि मीट और वो मैंने पूछ लिया चिकन वो हलाल नहीं है। मैं ट्राई करूँगा चेरी चीज़ केक, इसी जूनियर का ना। अच्छा मैं टाइम स्क्वायर पे अनीता गिलैटो पे खड़ा हूँ, बहुत मशहूर आइसक्रीम है ये यहाँ की ना न्यूयॉर्क की, और पागलों की तरह लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं था लाइन में लगने का,
मैं फुल भी हुआ हूँ, दिल भी नहीं चाह रहा, लेकिन वही बात है, ट्राई तो करनी है। तो खैर मैं ये वीडियो ही बना रहा था खाली बताने के लिए। तो एक लाइन में अरबी फैमिली थी, वो कहने लगी कि ओ आई एम अ फेमस, दैट्स व्हाई यू टेक माय वीडियो। तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई, तुम्हारी नहीं बना रहे हम, अनीता ग्लैटो की बना रहे। खैर उससे हेलो हाई हुई फैमिली से, तो बोली फ्रॉम इंडिया, मैंने बोला नहीं फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम मेरी आइसक्रीम ले लेना अंदर से। अब उसको डॉलर भी दे रहा हूँ, पैसे भी ले रहे, वो शेख है भाई, उसको नोटों की ज़रूरत थोड़ी है। तो बोली नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है। बहुत मैंने फोर्स किया, देखो वो मेरी आइसक्रीम लेकर आएगी और फिर मैं ट्राई करूँगा, और वो भी फ्री में। अपने ट्रिप्स करता जा रहा हूँ अकेले बना के, मुझे चीज़ें सीखने को मिल रही हैं काफ़ी। एक तो चीज़ें कहीं भी जाने से पहले वहाँ का सिक्योरिटी लेवल वगैरह चेक करना चाहिए, कितना सिक्योर एरिया है क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने मेन चीज़ सीखी है कि मैं एक जगह पे एक दिन के लिए भी जा रहा होता हूँ या चार दिन के लिए भी जा रहा होता हूँ, इतनी सारी चीज़ें सर्च कर लेता हूँ, इतनी सारी प्लान बना लेता हूँ कि मतलब उसका आधा क्या उसका 20% भी पूरा नहीं हो पाता है, 10% कर लो। तो फिर अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो है ना यहाँ पर कम घूम लें पर मतलब डिटेल में घूमें। अगर किसी एक प्लेस पे जा रहा है ना, मैं टाइम स्क्वायर पे हूँ तो टाइम स्पेंड करूँ ना। मुझे यहाँ रुकने की वजह से ये फ़ायदा हो रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट पता लग गया है यहाँ के, कि कौन सा फेमस रेस्टोरेंट है, या आइसक्रीम का पता लग गया। अब मैं अगली गली में इसकी नेक्स्ट स्ट्रीट में जाऊँगा तो दूसरी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो मुझे टाइम स्क्वायर में जो है ना तकरीबन जो है ना एक आध कोर्स तो मैं कर ही लूँगा टाइम स्क्वायर का, PhD तो नहीं होगी। तो इसलिए कम प्लान होना चाहिए लेकिन डिटेल प्लान होना चाहिए, मैंने ये भी सीखा। तो नेक्स्ट टाइम से यही करूँगा। या फिर पाकिस्तानी है, इंडियन, हाँ ये इंडियन है। और मैं बता चुका हूँ कि दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ मैं ना, ये थोड़ा सा इन्होंने एशियन स्टाइल रखा है, थाईलैंड या इंडिया। ये है भाई स्टेयर्स टाइम स्क्वायर। एक सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को, जो भी टाइम स्क्वायर आए ना तो आप होटल नहीं लो भाई, इतने महंगे होटल हैं यहाँ पे। अगर आपको एक रात के लिए इस तरफ करीब में कहीं रुकना है तो आप टाइम स्क्वायर में रुक सकते हो आराम से। ये नहीं पता लग रहा है टाइम कैसे गुजर रहा है, इतनी पब्लिक है, इतना रश है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, बहुत तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। पाकिस्तानी भाई है लड़का, कराची से शायद स्टूडेंट वगैरह लग रहा है मुझे। तो ये भी यही काम कर रहा है यहाँ के ना टाइम स्क्वायर पे, देखो फोटोग्राफी का टाइम स्क्वायर है, जो कचरा है ना यहाँ बस, ये भी एक टाइम स्क्वायर। अच्छा पौने एक बज रहा है रात का, मतलब एक बजने वाला है, और मैं हूँ